सावी मस्जिद मुल्तान की 700 साल पुरानी सावी मस्जिद। सावी मस्जिद मुल्तान के मोहल्ला कोटला तोले खान में वाकया है। इसे नवाब सईद खान कुरैशी ने मुगल बादशाह शाहजहां और अंग्रेजों के दौर यानी 16 सदी ईस्वी में बतौर ईदगाह तामीर करवाई थी। इस मस्जिद को सावी मस्जिद इसलिए कहा जाता है कि इस मस्जिद की तामीर में दो रंग यानी नीला और फिरोजी इस्तेमाल हुआ है। सराकी जबान में फिरोजी रंग को सब्जी या सावी कहते हैं। मुल्तान शहर के बारे में कहा जाता है कि ये मज़ारात का शहर है। यहाँ तकरीबन हर मोहल्ले में किसी न किसी बुजुर्ग का मज़ार मौजूद है, लेकिन यहाँ मज़ारात के साथ साथ ऐसी मस्जिद की तादाद भी कम नहीं जो तारीख एतबार से बहुत अहमियत रखती है। इन में से ज्यादातर मसाजिद की तामीर मुगलिया दौर में हुई है और इनमें मुगल आर्ट और मुल्तान की रवायत काशीगरी का इस्तेमाल नहायत खूबसूरती से किया गया है। मुल्तान की इन तारीखी मसाजिद में सावी मस्जिद भी शामिल है। अब इस मस्जिद की हालत काफी खस्ता है, मरम्मत का काम होता रहता है लेकिन जैसे होना चाहिए वैसे नहीं, क्योंकि ये मस्जिद महकमा आसार कदीमा के तहवील में है। इसलिए मुकामी लोग इसकी तजीद और आराइश में हिस्सा नहीं ले सकते। महकमा भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करने और इसको महफूज बनाने ताकि महकमा भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करे और इसको महफूज बनाए ताकि हम ताकि हमारा मुल्तान जो कि अपनी हैसियत पूरे मुल्क बल्कि दुनिया भर में मुनफरिद रखता है, इसकी तारीख को हर तरह से महफूज बनाया जाए, क्योंकि मुल्तान की तारीख हजारों साल पुरानी है।